राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह बोले, धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को मिलेगी नागरिकता, पड़ोसी देशों से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देंगे। कैब पर राज्यसभा में बोले कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, कहा 2016 और आज के बिल में काफी कुछ अंतर, बिल को संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए था। नागरिकता बिल पर शिवसेना से खुश नहीं कांग्रेस, कांग्रेस का कड़ा रुख देख शिवसेना ने बदला स्टैंड, राज्यसभा में नागरिकता बिल का विरोध करेगी शिवसेना। सिटीजनशिप बिल पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अखिलेश यादव का हल्ला बोल, आरजेडी बोली देश को इसराइल नहीं बनने देंगे। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को किया संबोधित, कहा पड़ोसी मुल्क जैसी भाषा बोल रहा है विपक्ष, नागरिकता संशोधन बिल के बारे में लोगों को बताएं। महाराष्ट्र में बीजेपी के दिग्गज ओबीसी नेता नाराज, खडसे और पंकजा मुंडे को मनाने में जुटी बीजेपी, नेताओं की बगावत से सूबे में बिखर सकती है बीजेपी। प्याज की कीमतों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा ये मोदी सरकार की नीति का दिवालियापन है। कर्नाटक में फिर घिरी येदुरप्पा सरकार, बागियों ने की बीजेपी से बड़ी डिमांड, नए विधायकों ने की मजबूत मंत्रालयों की मांग, कहा हमारे बूते ही चल रही है सरकार। मंदी में जनता पर पड़ा महंगाई का बोझ, जरूरी खाने वाली 20 चीजों के दाम बढ़े, दालों की कीमत में भी हुआ करीब 20 रुपए का इजाफा। अंतरिक्ष में एक और कामयाबी हासिल करेगा इसरो, आज श्रीहरिकोटा द्वीप से इमेजिंग सैटेलाइट रिसेट 2BR-1 समेत 9 उपग्रह को करेगा लॉन्च, भारत की रडार इमेजिंग की ताकत में कई गुना होगा इजाफा, दुश्मनों पर आसानी से रखी जा सकेगी नजर। चिदंबरम की सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील वापसी, लड़ेंगे कांग्रेस का केस, तमिलनाडु निकाय चुनाव केस में कांग्रेस की ओर से होंगे पेश। गुजरात मामले में नानावटी आयोग ने पीएम मोदी को दी क्लीन चिट, कहा पीएम मोदी के गोधरा जाने की जानकारी सभी सरकारी एजेंसियों को थी। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद पहुंचे दिल्ली, 13 दिसंबर को पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, व्यापार समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। नागरिकता बिल पर अमेरिकी आयोग के बाद आया संयुक्त राष्ट्र का बयान, कहा सभी सरकारें ऐसे कानून लागू करें जिसमें किसी से भेदभाव ना हो। गिरती अर्थव्यवस्था के बीच मोदी सरकार को एक और धक्का, अब एडीबी ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान में की भारी कटौती, जीडीपी में बढ़ा 6.5% की बजाय 5.1% होने का अनुमान। सुशील मोदी को मिली IGST के लिए GOM की कमान, निर्मला सीतारमन को संयोजक बनाए जाने के थे कयास, GST काउंसिल ने दी सफाई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला आज, भारत के सामने करो या मरो की स्थिति, 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबर है भारत और वेस्टइंडीज की टीम। भारत और वेस्टइंडीज वनडे सीरीज से पहले चोटिल हुए शिखर धवन, 3 मैचों की वनडे सीरीज में बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ले सकते हैं उनकी जगह। शाहिद कपूर की बिगड़ी तबीयत, फिल्म जर्सी की शूटिंग चली, डॉक्टर्स ने शाहिद को दी कुछ समय के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह। अनुष्का विराट मना रहे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी, दोनों ने शेयर की खूबसूरत तस्वीर, अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा किसी दूसरे इंसान को प्यार करना मतलब उसमें भगवान का चेहरा देखना।